हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं स्नेहलता दुबे अब आपको सूरन या जमीकंद की सब्जी की रेसिपी केरला स्टाइल में दूंगी, जिसके लिए मैंने एक नारियल लिया है। इसे क्रश करके इसका मिल्क निकालूंगी, ग्राइंड करके। मैंने थोड़ी सी हींग ली है, एक छोटी चम्मच हल्दी और एक चम्मच करी पाउडर बड़ा, थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी ली है लीफ, MDH की 1.5 इंच अदरक है, 7 से 8 कलियां लहसुन की, एक मिर्च, 2 बड़ी प्याज कट की हुई, 5 फोरन, 1 छोटे चम्मच, 1 कप मैंने 4 टमाटर की प्यूरी बना ली थी, और ये है हमारा 400 ग्राम सूरन, और 1 छोटे चम्मच स्वादानुसार नमक। बाद में मैं सोया सॉस भी 2 चम्मच यूज़ करूँगी, क्योंकि इसमें डालना है वो इमली, पर इमली मैं नहीं डालूँगी, इसलिए मैं सोया सॉस का इस्तेमाल करूँगी, और स्वादानुसार नमक। पैन में हम थोड़ा तेल रख रहे हैं गरम होने को। हम अपने पैन में ऑयल डालेंगे, सरसों का तेल हम डाल रहे हैं, 2 चम्मच डाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें तेल बहुत लगेगा, 2 बड़े चम्मच। हमारा ऑयल गरम हो चुका है, हम डालेंगे 5 फोरन, छोटी चम्मच, हमारा 5 फोरन तड़कने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी हींग 1 चुटकी, हींग डाल दिया मैंने। हींग डालने के बाद हम अदरक और लहसुन डालेंगे और अपने मसाले, बाद में हम डालेंगे। अब हम हल्दी डालकर प्याज डालकर फिर हल्दी डालेंगे, हल्दी नमक और गरम मसाले डाल के रख देंगे इसे गलने के लिए। अब मैं मसाले डाल दे रही हूँ, हल्दी डाल दे रही हूँ। सूरन भी हमारा पकने में समय लेता है, ये थोड़े देर में अभी गल जाएगी प्याज, तब हम तुरंत सूरन यूज कर देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी प्याज जल चुकी है, मैं पानी छोड़ना शुरू कर दिया। अब मैं इसमें डालूंगी अपने जमीकंद डालकर हम इसे 15 से 20 मिनट तक थोड़ा गलने देंगे, उसके बाद फिर खोलकर हम चेक करेंगे कि हमारा जमीकंद कितना गला है। हमारी सब्जी 15 मिनट बाद तैयार हो गई। हम कसूरी मेथी और हरी मिर्च डाल दिए इसमें, थोड़ा सा आप चलाइए इसे, और उसके बाद आप अपनी कलर के लिए लाल मिर्च भी हम इसमें यूज करेंगे। हम डाल देंगे प्यूरी, अपनी टमाटो प्यूरी, इसे डालकर ढक देंगे। फिर 5 से 10 मिनट पकने देंगे, बाद में हम इसमें मिल्क यूज करेंगे अपनी, कोकोनट मिल्क। अब मैं इसे 5 मिनट और पकने दूंगी।
टमाटो प्यूरी डाले, 4 से 5 मिनट हो गए हैं, सब्जी बहुत अच्छी तरह गल गई है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 कटोरी पूरी, एक फर्स्ट एक्सट्रैक्ट यूज़ कर रहे हैं कोकोनट का। कोकोनट का दूध कैसे निकाला जाए एक्सट्रैक्ट, ये मैं कोकोनट मिल्क रेसिपी आपको अपने एक वीडियो में बता चुकी हूँ। इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाए तभी मिल्क ऐड कीजिए, नहीं तो फट जाएगा सब्जी में। और ये काफ़ी अच्छे टेक्सचर देता है, एकदम कलर क्रीमी कर देगा। बस ये थोड़ा सा बॉयल हो जाए तो हमें गैस बंद कर देनी होगी। अब हमारी सब्जी पूरी तरह पक चुकी है, मैं इसे गैस ऑफ कर दूंगी और सब्जी हमारी सर्विंग के लिए एकदम तैयार है। ये हमारी सब्जी केरला स्टाइल में है क्योंकि इसमें कोकोनट मिल्क यूज़ किया गया है, या श्रीलंकन भी ऐसी ही सब्जी यूज़ करते हैं बनाने में, वो भी मिल्क ऐड करते हैं कोकोनट मिल्क। हमारी सब्जी तैयार हो गई है, मैं इसे प्लेट में सर्व कर चुकी हूँ। इस पे मैंने ऊपर से कोकोनट एक्सट्रैक्ट डाला है। अगर जमीकंद की सब्जी की केरला स्टाइल में ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। थैंक यू।